करेक्टर स्ट्रेंथ करैक्टर स्ट्रेंथ अ कल्चरली डाइव्ड मॉडल स्ट्रेंथ्स अप्रोच ये कहती है फोकस ऑन वॉट इज राइट जैसे सैडनेस के बजाय जॉय ठीक है ये स्ट्रेंथ है बेबसी की बजाय करेज तो स्ट्रेंथ्स हैं जो एक्चुअली पाई जाती हैं जिनके साथ इंसान पैदा होता है स्ट्रेंथ्स अप्रोच आल्सो सेज़ दैट एवरी पर्सन हैज स्ट्रेंथ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल जो हमारे अंदर है हमारे अंदर जो सलाहियत है जो जख़ीरा है हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है जो हमारे अंदर कुछ सब कुछ करना जिस मंबे से जिस सलाहियत के रेजरबॉय से निकलता है वो स्ट्रेंथ्स है हमारे इसलिए कामयाबी का तरीका ये है लोग कामयाब इसी तरह होते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंग्स को बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसी के ज़रिए अपनी कमजोरियों पे काबू पाएं करेक्टर स्ट्रेंग्स का कल्चरली ड्राइव्ड इस तरह है कि इन्होंने पिटरसन एंड सेलिगमन ने 90s से ही काम शुरू किया था और दो में अपनी किताब छापी थी और वो ये थी कि हर कल्चर में हर दीन में हर सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ह्यूमन स्ट्रेंथ कहा जाता है चाहे वो इमोशनल हों या वो स्परिचुअल हों चाहे वो किसी और तरह की हो तो उसमें से किसी ने सब्र कहा शुक्र कहा, जहानत कहा लोगों को समझने की सलाहियत क्रिएटिव होना तख्लीकी इमेजिनेशन समझदारी दानिशमंदी, हिम्मत वलवला, जुर्रत, सोच समझ के काम करना तो वो आती नहीं चीज़ें उसको कोई जितने भी वो हंड्रेड्स जमा हो गए इन्होंने फिर एक जैसे अल्फाज को किया क्लस्टर ये एक तरीका होता है एनालिसिस करने का जब वो क्लस्टर किए या उनके फैक्टर एनालिसिस किए तो बहुत से अल्फाज एक ही मीनिंग रखते हैं तो वो उस लफ्ज़ के अंडर इकट्ठे हो गए ठीक है जैसे अभी मैंने कहा कि वलवला, गैरत जुरत बहादरी हिम्मत शुजात ये सब एक ख़ास स्ट्रेंथ की तो इशारा कर रहे हैं तो उधर इकट्ठे करती दिए ये करके उन्होंने ये चौबीस स्ट्रेंथ्स जो हैं वो में समो दिया इस सारी लर्निंग को जो मुख्तलिफ कल्चर से आई थी और इसके जब एनालिसिस किए बहुत से लोगों को ये अल्फाज दे के तो ये पता चला कि छः बुनियादी वर्चूज़ या खसाइस हैं जिनके अंडर ये चौबीस जो है वो प्लेस हो गई हैं पहला है जिसके जजमेंट परस्पेक्टिव लव ऑफ लर्निंग चीजें हैं। ठीक है फिर करेज है उसके अंदर ब्रेवरी भी है उसके अंदर जो है वो परस है कायम रहना मुस्तकिल मिजाजी ऑनिस्टी भी करेज के अंदर है जेस्ट होता है बलबला उमंग वो भी करेज के अंदर यानी उससे जुड़ी हुई है तो ये स्ट्रेंग्स का जो नाम दिया गया इन स्ट्रेंग्स को ओवरऑल इनको टाइटल है वो करिज की वर्चू है ह्यूमैनिटी की वर्चू में जा रहा है जस्टिस भी होगा फेयरनेस भी होगी काइंडनेस भी होगी लव भी होगा सोशल इंटेलिजेंस भी होगी क्योंकि इसका ताल्लुक दूसरे लोगों से है जस्टिस की जो वर्चू है उसके अंडर जो है वो आपको ज्यादातर ये लोगों के हवाले से होती है ना इंसाफ जो है तो जस्टिस जो है वो टीम में टीम वर्क उसमें है लीडरशिप उसमें है फेयरनेस इंसाफ पसंदी यानी टू बी फेयर फिर है टैम्परेंस टेम्परेंस होता है मतदिल मिजाजी यानी इतदाल ना बहुत एक्सट्रीम और ना बहुत ही बिल्कुल ही एक्शन, तो इसमें माफ़ करना ह्यूमिलिटी इनका सारी यानी एरोगेंस नहीं इनका सारी ह्यूमिलिटी इज़ अ ग्रेट करैक्टर स्ट्रें प्रूडेंस है सोच समझ के दानिशबंदी से कुछ करना और सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को रेगुलेट करना कंट्रोल कर लेना और आखिरी है ट्रांसेंडेंस इस ह्यूमन सेल्फ से निकल के इससे बालातर ह्यूमन वर्ल्ड से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रांसेंडेंस के एक बालातर तजरबे तजर्बे एक एक्सपेंशन के तजर्बे की तरफ लेके जाती हैं जिनमें ग्रेटिट्यूट है होप हैचुअलिटी है अप्रिसशन ऑफ़ ब्यूटी है और एक्सीलेंस है और बहुत इंटरेस्टिंगली ह्यूमर है ह्यूमर यानी वो जो एक मज़ाक के साथ एक कैफियत आती है वो हमेशा आपको अपनी ज़ात की तमाम डायमेंशनस में ऊपर की तरफ उठाती है तो ये ट्रांसेंडेंस है इसको इस तरह भी किया गया है कि अगर आपकी एक लाइफ जो है वो इंगेजमेंट हैप्पीनेस की मीनिंग की और वेलबींग well की है तो उसके ये छः वर्च्यूज और उन छः वर्च्यूज़ के आगे उनकी स्ट्रेंथ्स इसका इसकी वेबसाइट है उस पर जाके आप अपनी स्ट्रेंथ्स का सर्वे कर सकते हैं और ख़ुद भी असेस कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स में आप कौन सी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मेरी टॉप स्ट्रेंग जो है वो अक्सर लव क्यूरोसिटी एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी काइंडनेस ये आती हैं और दानिशमंदी से सोच के चलना मैं सबसे कम इस्तेमाल करती हूँ तो वो काफ़ी नीचे आता है एवरी बॉडी हैज़ इट लेकिन कौन सी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लव ऑफ लर्निंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंग्स दैट यूजली कम आप जब मैं ये सर्वे करती हूँ हुआ ये कि इसको पाकिस्तान में किया पहली दफ़ा डॉक्टर फीफा अंजुम ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी पी में और उन्होंने जब इन्हीं स्ट्रेंग्स के सवालनामे को दिया पाकिस्तानी तो काफ़ी पाँच छः सौ का सैम्पल था तो जो हमारे सामने यंग लोगों के हवाले से एक मॉडल आया ये था कि ये चार बुनियादी वर्चूज या खसाइस हैं जिनके अंडर स्ट्रेंथ्स हैं कॉग्निटिव जिनका जेन से ताल्लुक़ है जैसे विजडम करेज एंड टेम्परेंस ट्रांसेंडेंस में मोर और लेस वो ही हैं होप स्परिचुअलिटी ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इंटरपर्सनल वो हैं जिनका दूसरों से ताल्लुक़ है तो जो ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस की जितनी वैल थी ना चीज़ें काइंडनेस लव टीम वर्क लीडरशिप वो इंटरपर्सनल में लोगों ने जमा कर दी वो अलग नहीं रही और फिर एक विगर की स्ट्रेंथ है जिसमें वलबला है जोशो जज्बा है सोशल आईक्यू है इंटरेस्ट क्यूरोसिटी है क्यूरोसिटी कॉग्निटिव में नहीं गई क्यूरोसिटी विगर में गई क्योंकि आप में कोई एनर्जी होगी तो आप कुछ करेंगे और इंटरेस्टिंग बात है कि ह्यूमर यानी हिस्से मजाक यानी जोक करना हंसी खुशी मजाक करना मजाक को समझना लाइटर मूड uh, को अप्रिशिएट करना वो विगर में यानी तवानाई की जो एक वर्चू है खसी, आपके अंदर खसूसियत है उसमें आएगी आपने देख आपने नोटिस किया होगा कि, कि जिन लोगों में विगर नहीं होता उनमें एनर्जी नहीं होती उनके अंदर ह्यूमर के लिए जो लाफ्टर के लिए एक तवानाई चाहिए वो भी नहीं होती तो ये लोकल मॉडल था प्लीज़ यू कैन गो टू तो दिस वेबसाइट हमारा जो उर्दू में ट्रांसलेट किया है डॉक्टर आफीफा अंजुम ने और मैंने उनके साथ मिलके वो भी इनकी वेबसाइट पे है और अब आप उर्दू की इन्वेंट्री जो है वो इस्तेमाल करके अपनी करेक्टर स्ट्रेंग्स को असेस कर सकते हैं लोगों से शेयर कर सकते हैं मैं हर स्टूडेंट को ये ज़रूर कराती हूँ ताकि उनको अपनी स्ट्रेंग्स का पता चले अपनी कुवतों का पता चले और वो अपने आप को कमतर समझने से निकल के अपनी स्ट्रेंग्स पे प्राउड फील करें बेहतर फ़ील करें और बेहतर काम कर सकें